हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू पनीर के मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में इन्हें बनाने वाले हैं। हमने आटा ले लिया है, आटे का 1/4 भाग हम बेसन डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालेंगे, थोड़ी सी हम मेथी को क्रश करके डाल रहे हैं। आप चाहे तो ग्रीन मेथी भी ले सकते हैं अगर आपके पास ताज़ा हो तो। जो हमने आटे का बैटर डो बना कर रख दिया है, इसे हम साइड में ढक कर रख देंगे, तब तक हमारा आटा रेडी हो जाएगा। तो हमने आलू को बॉयल करके ले लिया है। हमने आलू को 2 सीटी लगाई है, अच्छे से बॉयल हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस ये मैश हो जाए इतना ही बॉयल करना है। ये हमने आलू को अच्छे से छील लिया है, तो अभी हम इसे मैशर से मैश करेंगे क्योंकि अभी ये गर्म है। बाद में मसाले मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लें आप। तो हमने इसमें सभी मसाले ऐड कर लेने हैं। हमने लाल मिर्ची ले ली है, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। आपको जो भी मसाले जितनी भी स्पाइसेस पसंद हो उतना आप डाल लें। तो हम पनीर को ग्रेट कर इसमें डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह कट कर हरी मिर्ची, धनिया सब डाल सकते हैं, लेकिन हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं। सिंपल सा पराठा जो खाने में बहुत टेस्टी है और झटपट बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमने इसको पनीर को कद्दूकस करके लेना है, इसे मैश नहीं करना है, ये हमें ज़्यादा इसका पेस्ट सा नहीं बनाना है। तो हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को इसमें इक्वली सारे मसाले एक साथ इसमें मिल जाएं। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, जिससे हमारा ये जो इसका डो बनेगा काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और ये हमारा पराठा इससे फटेगा नहीं। घी डाल अभी हमने रेडी कर लिया है हमारा बैटर। तो हमने देखिए हमारा पराठा रेडी कर लिया है। हमने लोई में अपना लोई बेल कर उसमें अपना आलू को स्टफिंग कर लिया है और ऊपर से हमारा पराठा बेलकर हम इसे रेडी कर लेंगे। इसी प्रकार हम हमारे सभी पराठे रेडी कर लेंगे। देखिए हमारा पराठा काफ़ी अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल भी नहीं फटा है और ये काफ़ी फूल चुका है, इसका प्यारा सा कलर आ गया। अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। ये हमने स्टफिंग इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको दबा के हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। इसको हम इसे किसी भी शेप में बेल सकते हैं, स्टफिंग करके हम राउंड बना रहे हैं। तो हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। प्याज टमाटर हरी मिर्ची वगैरह डालने से बच्चे नहीं खाते हैं, तो इन्हें बड़े भी खाएंगे शौक से और बच्चे भी खाएंगे। तो जी हम हमारा पराठा रेडी कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा कर इसको सेक लेंगे। तो जी हमने हमारा ये दूसरा पराठा रेडी कर लिया है। देसी घी से पराठों का जो फ्लेवर है उबर के आता है, काफ़ी टेस्टी लगते हैं अकॉर्डिंग तेल के। तो जी हमने ये हमारे पराठे को अच्छे से सेक लेना है। हमें देखिए हमारे सभी पराठे रेडी हो गए। आप चाहे तो इन्हें दही के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, मक्खन के साथ, अचार के साथ, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं हमारे मज़ेदार आलू के पराठे। आप भी बनाएं, रेसिपी फॉलो करें, पसंद आए तो लाइक करें।